जय गुरुदेव। दोस्तों, आपने मेरे गुजरात सीरीज के पहले व्लॉग में देखा कि मैं कैसे ट्रेन में मुंबई से भुज आता हूँ, फिर देवपार जाकर कथा अटेंड करता हूँ और फिर चला आता हूँ नखत्राणा को निष्कलंक के धाम पर। सो डे टू में दिखा दे पहले तो आपको ये खूबसूरत निष्कलंक के धाम। तो अभी आ चुका हूँ मैं नखत्राणा बस स्टैंड पे। ये रहा भाई बस स्टैंड, ये गवर्नमेंट बसेज जाती है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ आज माता मठ, नारायण सरोवर और कोटेश्वर महादेव मंदिर। आगे से जो है प्राइवेट बसेज जाती है, तो देखते हैं अभी अपन कौन से जो भी बस में जो है अभी जाएंगे वो पूरा आज जो एक्सप्लोर करेंगे। अभी रुके भाई गडोली में, यहाँ पे जो है हम ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे रुके अपनी बस, तो यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक है, फिर जाएंगे नारायण सरोवर। अभी हम आ चुके हैं भाई अपने लोकेशन पे, ये है नारायण सरोवर। तो इधर जो जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे पूरा, और 103 किलोमीटर का जो है अपना जर्नी था, तो बहुत अच्छे से जो जर्नी हो गया है 2 आवर्स में। तो चलते हैं अभी और एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पीछे जो है भाई नारायण सरोवर का, विष्णु जी का जो है मंदिर जो है आ चुका है, तो अभी जाते हैं यहाँ पे और दर्शन करते हैं अच्छे से। देखो भाई छोटी छोटी मछलियां सरोवर में। तो भाई ये जो है बहुत बड़ा जो है सरोवर है, जैसे कि आप पीछे जो है देख सकते हो, बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देखा है मैंने, और इतने मंदिर जो है यहाँ पे देखे। बाकी जो है ऑलमोस्ट सभी जो है टेंपल अपन ने कवर कर लिए, अभी सिर्फ इधर का जो है एक बाकी है, तो ये भी कवर कर लेते, सब दूर के जो है दर्शन अपन ने ले लिए, तो चलते हैं इधर के भी लेते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हो। ये देखो भाई पूरा मंदिर, और हवा जो है बहुत खतरनाक चल रही है आज, ये सीढ़ी बहुत स्टीप थी तो धीरे धीरे आना पड़ा, बाकी चलते हैं अंदर। कुछ भी नहीं है, कुछ तो दिखा होगा। भाई दिख रहा नहीं है बॉर्डर, नहीं ऐसा हमने कुछ देखा नहीं। ये भाई बता रहे कि इधर जो है पाकिस्तान के बॉर्डर है भाई, रात को दिखते है उधर बॉर्डर, लाइट चमकती है, अभी भैया बता रहे, और देखते है लोग यहाँ से ऊपर से जो है देखते है पाकिस्तान। वो कोटेश्वर महादेव मंदिर की जरिए चौक में जाओगे ना, आगे चौक है, आगे जाओगे ना मस्जिद का गेट पीछे का ऐसा बड़ा, इधर आगे से ये है भाई यहाँ का मार्केट। देखो भाई गाय कैसे घूम रही है रास्ते में, और ये इधर ये भोजनालय, इधर हम अभी जाने वाले खाना खाने के। तो भाई यहाँ पे जो है हमने खाना जो खा लिया है, बहुत सही खाना मिला है यहाँ पे, और
मतलब जो खाली थी वो भी बहुत सही थी। यहाँ पे जो आप फ्री में जो खा सकते हो बहुत बढ़िया खाना था भाई। तो यहाँ पे आएंगे आप कभी घूमने को, यहाँ पे जो खाना जरूर खाना। और बहुत अच्छा प्रसाद मिला भाई सच में। कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हम जा रहे हैं भाई कोटेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ से जो है मतलब ऐसा सीधे जाना है, तो इधर जो है महादेव का मंदिर, वहाँ से जो है पाकिस्तान बॉर्डर दिखती है ऐसा मैंने सुना है। तो देखते हैं कि वहाँ से दिखती है या नहीं। और चलते जल्दी बट यहाँ का जो वाटर है भाई वो पूरा अलग ही है, पूरा अलग। और ये देखो भाई इधर थोड़ी पुरानी वाली बोट जो है खड़ी है और मतलब टूट चुके वो। और इधर जो है अपन को आगे जो है जाना है, यहाँ पे कोटेश्वर महादेव का मंदिर उधर भी जाएंगे। इधर तो फाइनली भाई मंदिर टेम्पल जो है आ चुका है और हम जो है पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर। वो सही है भाई, इसकी सीढ़ी जो है बाद में बनाई गई है, इसलिए इसका मतलब ये जो है दिशा जो है उधर है मंदिर की, वो सीढ़ी जो है पीछे से बाद में बनाई गई है। नहीं तो लोगों को जो है प्रश्न होता है कि ये सीढ़ी ऐसे क्यों है और मंदिर का जो है मतलब उधर से क्यों दरवाजा है, तो इसलिए ये जो है आपको बता दिया इसके पीछे का रीज़न जो क्या है। ये दोस्तों प्रवेश द्वार, सीढ़ी जो है पीछे थी और जैसे मैंने बोला कि मंदिर पहले बनाया गया था सीढ़ी बाद में बनाई गई थी, तो इसके लिए वैसे ही मतलब प्रवेश द्वार जो है इधर से और यहाँ पे जो समंदर है और इसके जो है आगे 30-33 किलोमीटर आगे जो है बॉर्डर है पाकिस्तान। लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा दर्शन हो गए। इधर नीचे जो है आ चुके हैं, यहाँ से जो है BSF के लोग जो है इधर मतलब ऑफिस है शायद से। हाँ वही है भाई, BSF चेक पॉइंट लिखा हुआ है और उसके आगे जो है अपन को जाने का जो है मना किया गया है। उसके आगे कोई भी जो है नहीं जा सकता, सिर्फ BSF वाले जो है जा सकते, बाकी वहाँ तक जा सकते हैं अपन। और यहाँ से जो है बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है 30-33 किलोमीटर पे जो है यहाँ से पाकिस्तान। क्या फील आ रहा है भाई यहाँ, क्या फील है भाई, क्या हवा चल रही है, एक नंबर क्या प्यारा लग रहा है भाई यहाँ। ये देखो भाई ये वाला भी पीछे वाला भी कोटेश्वर मंदिर भी एक नंबर लग रहा है।
पाकिस्तान बॉर्डर पे और ये सीन चेक कर, ये सीन चेक कर, क्या खतरनाक सीन है भाई, क्या खतरनाक सीन, क्या हवा चल रही है। ये दूसरा मंदिर था भाई, ये भी जो है महादेव जी का ही है, तो यहाँ पे भी जो है दर्शन कर लिए अच्छे से। और ये देखो भाई क्या सही लहरा रहा है भाई फ्लैग, और ये तो कोटेश्वर जी का, और बाकी ये भी दूसरा इधर था। ये एक भाई को पूछा मैंने भाई कि ये यहाँ से जो है मतलब पाकिस्तान कितने दूर है, तो उसने बताया कि 70 से 80 किलोमीटर है और लगभग से जो है 20 किलोमीटर से, तो मुझे लगा था कि यहाँ से 30 किलोमीटर से, लेकिन वो मेरे से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बाकी अभी यहाँ से 70-80 किलोमीटर है, यहाँ से नहीं दिखता भाई पाकिस्तान, लखपत से दिखता है। तो लखपत पर तो मैं नहीं जा रहा भाई, वहाँ पर फ्लोर भी था अच्छा, लेकिन अभी अभी तो नहीं जा सकते, अभी हमको जाना है भाई मातानो मठ। और हम जो है अभी नारायण सरोवर वापस जो है आ चुके हैं, और अभी यहाँ से जो है बस इधर से गई है कोटेश्वर, वो वापस आएगी, फिर हम बैठेंगे उस बस में और फिर जाएंगे मातानो मठ। भाई अभी जो है फाइनली पहुंच चुके हैं मातानो मठ, तो इधर जो है जाना है अपन को, ये जो है पूरी मार्केट है इधर की, ये अपनी बस थी, तो अभी चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं और फटाफट से आशापुरा माता के दर्शन करते हैं, तो चलते हैं इधर। ये भाई माता जी का मंदिर, और ये जो है ये द्वार है पूरा प्रवेश द्वार, और ये पूरा आशापुरा माता का मंदिर है मातानो मठ। तो भाई मैं जो है आशापुरा माता के मंदिर के पास जो है खड़ा हूँ अभी, अभी करेंगे भाई अपन दर्शन अंदर जाके। तो ऐसा कुछ जो है परिसर है भाई पूरा यहाँ पे, और ये है पूरा टेंपल, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी जो है यहाँ पे कारीगरी जो है करी गई है एकदम सटीक तरीके से, और बहुत बहुत सुंदर टेंपल है भाई, और बहुत यहाँ पे बहुत लोग भी है भाई जैसे कि आप देख सकते हो, और इससे ज़्यादा जो है दिवाली के सीज़न में आते हैं इधर, तो दिवाली के सीज़न में तो यहाँ पे बहुत लाइन रहती है भाई, अभी तो अच्छे से हो जाएंगे दर्शन। आशापुरा माता का जो है मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि आशापुरा माता जो है मतलब आपकी जो है आशा कामना जो भी होती है वो जो है पूरा करती है, तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो यहाँ पे आके उनकी आशा लेके जो है आते हैं और यहाँ पे जो है दर्शन करते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके, और आशापुरा माता की जय। हो चुकी है भाई खतरनाक की लड़ाई, और मैंने जो है यहाँ से ये लिया, वो देखो भाई ओम का ये इधर से, और मेरे को तो सही लगा।